आज एमसीडी में आना है और केजरीवाल जी की जितनी भी नीतियां हैं उनको लाना, जैसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली में काम करके दिखाया है, हमें भी एमसीडी को इसी तरह करना है। यहाँ के स्कूलों को, यहाँ की गलियों को, यहाँ की मार्केट को और यहाँ के पार्कों को बहुत ब्यूटिफिकेशन करना है। और सारी गलियां टूटी हुई हैं और जो एमसीडी में भ्रष्टाचार है उसे तो सभी वाकिफ है, हमें उसे मिटाना है। और यहाँ के जैसे पुराने नियम पार्षद रहे हैं उनको सबको हटाना पड़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार की सीमा पार हो गई है तो उसको दोबारा नहीं लगा पा रहे हैं। हर बार इन्हें अपना काउंसलर बदलना पड़ रहा है, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होगा। जो रहेगा वो हमेशा ही रहेगा और उसको दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं आना पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जीत के बाद सबसे पहले कौन से काम करेंगे आप? हम जी रोड की पार्कों की क्लीनिंग कराएंगे, कटिंग करानी है, पर्निंग करानी है पेड़ों की, मार्केट की ब्यूटिफिकेशन, पार्कों की ब्यूटिफिकेशन। आप देख सकते हो हमारी दिल्ली सरकार ने रिंग रोड को कितना सुंदर बना दिया है, वो आप सब देखो। इसी तरह मैं अपनी मार्केट को, अपनी कॉलोनी को सुंदर बनाना है और जितनी गंदगी इन गलियों में और उनमें है उनको हटाना है। यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। अमर कॉलोनी का ये एरिया, खासकर मार्केट का एरिया, जो पीछे एमसीडी के कानून के कारण, जो नेशनल पार्टी है उसके कानून के कारण जो बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग दुखी हैं। विकास के कामों की कमी हुई है, न सड़क बनी है, न गली ठीक हुई है, न पेड़ों की छटाई कटाई हुई है, लोग बहुत ज्यादा एमसीडी से नाराज हैं। इसे सारे के सारे लोग चाहते हैं कि एमसीडी दिल्ली में भी केजरीवाल जी के पास जाए। यही कारण है कि विशाल जनसमूह आज जितेंद्र कुमार जी को समर्थन देने के लिए यहाँ मौजूद है, माननीय केजरीवाल जी को समर्थन देने के लिए मौजूद है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एमएलए आम आदमी पार्टी का है तो काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का ही चाहिए, जिससे विकास हो सके। इसे सारे लोग यहाँ समर्थन में खड़े हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप देखेंगे जनसमूह देख लीजिए और बीजेपी की रैली देख लीजिए, पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ हैं, लोग किसको चाहते हैं। यहाँ अमर कॉलोनी में जितने लोग यहाँ खड़े हैं सारे के सारे घरों से बाहर आकर आज केवल एक बात कह रहे हैं कि मोहर लगेगी झाड़ू पर, बटन दबेगा झाड़ू का, केजरीवाल जी एमसीडी में आएंगे और भारी बहुमत से आएंगे।